हमारे सचिव श्री राजेश रतन जी और जितने भी नाम है, चूंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है तो माफ कीजिएगा, बाकी जितने भी हमारे केंद्र कमेटी के पदाधिकारी हैं हमारे बीच, महिला नेत्री में केंद्रीय अध्यक्ष देवंती मुंडा जी, सुनीता भाजपा जी, हमारी उपाध्यक्ष महासचिव श्रीमती उषा महतो जी और उनके साथ केंद्र कमेटी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के हमारे बीच कुश महतो जी, प्रवक्ता जी, सुशील मंडल जी और तमाम साथियों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गिनी का बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं, अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है, 23 सालों में झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा दो चार का डाक पानी रह गया ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइए, मैंने धोनी के तनिक भी घबराए ना हो, धोनी के चुनाव की तैयारी करना है, इस चुनाव का जितना पैसे है ऑफर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए के रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता वाला है, चिंता ना करिए, हम एक दूसरे पर आए। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है, तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड में 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड में कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीडीपीएस, ना जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर हम भूल गए, हम बीज हैं, आदत है बार बार उगाने। आज चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिंपल भी आई है, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज यह उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना इतना पुलिस आ गई थी ना, इलाज अच्छा कर रहा, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो, मैं जितना भी डीएसपी साहब सोनी जितना भी पुलिस आ रहा ठीक, हम तो पहले कह दलियो कि यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम पे आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं, अच्छा प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है आपकी वर्दी के सितारों पे, सवाल खड़ा होता है आपकी धरती पर, सवाल खड़ा होता है आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली है उस पर, सवाल खड़ा होता है, तो
तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी पांचवी क्लास में पढ़ता है, छठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देओल को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं। यानी एक माइंड डॉक्टर सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है, इसलिए आपसे आग्रह होगा। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है।